कक्षा 5 विषय गणित, इसमें हम आपके वर्कबुक का कार्य पत्रक नंबर 1 कर रहे थे। इसमें हमने लिया है आज प्रश्न नंबर 3। सवाल है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली के अनुसार निम्न संख्याओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का उपयोग कीजिए। जैसे कल हमने सवाल किया था हमारी भारतीय अंक प्रणाली, उसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का प्रयोग करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली में इकाई, दहाई और सौ, इकाई, दहाई, सौ, फिर हजारों और फिर मिलियन यानी लाखों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर आपको पीछे से यानी दाएं ओर से प्रत्येक तीन तीन अंकों से पहले अल्पविराम का उपयोग करना है। तो पहला अल्पविराम आपका हजारों की संख्या को बताता है, दूसरा अल्पविराम आपके मिलियन की संख्याओं को बताता है। जैसे हमने यही अंक लिखे वापस, 8, 2, 9, 3, 4, 1, 7, 8, 5, इन पर आपको अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली से अल्पविराम देना है। तो पीछे से तीन अंक गिनने हैं, 1, 2, 3, तो ये पहला कोमा हमने यहाँ लगा दिया। फिर तीन अंक गिनने हैं, 1, 2, 3, ये दूसरा कोमा लग गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 829,341,785, क्या बोलेंगे, 829,341,785। इसी प्रकार से दूसरा आपके 7, 1, 6, 5, 2, 4, 2, 9, 3, इसमें लगाए थे पीछे से 3, 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, तो 716,524,293। फिर वही पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100 के पहले लगा दिया, फिर हजार, इकाई, दहाई, फिर तीन अंक लीजिए, 1, 2, 3, और आ गया तीन अंक रह गए, यानी 870,024,035, 870,024,035, और अंतिम है आपका अंक है 1, 5, 9, 3, 2, 4, 2, 4, 6, तो पीछे से तीन अंक, 1, 2, 3, 2 से पहले, फिर 1, 2, 3, 3 से पहले, तो 159,324,246। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली के अंदर पीछे से तीन तीन संख्याओं को गिनना है और उसके आगे अल्पविराम यानी कोमे को लगाना है।